सीरियल पुण्य श्लोक इलाही के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है। गंगाबा मल्लारो सरकार से बोलते हैं कि सरकार ऐसी क्या समस्या है कि आपने हम सभी को यहाँ पर अचानक बुलाया। तो मल्लारा बोलते हैं कि अच्छा हुआ आप सभी आ गए। और क्या है ना गंगाबा, वैसे तो हर किसी के जीवन में चुनौती आती है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में ऐसी गंभीर चुनौती आती है जैसे कि हमारे जीवन में। और अब वो समय आ गया है जब हमें वो नई चुनौतियाँ स्वीकार करनी होंगी और कुछ अहम फैसले लेने होंगे। तो गौतम भी बोलते हैं कि लेकिन सरकार आपने तो फैसला कर लिया है ना कि आप अपने आप को जिम्मेदारियों से निवृत्त कर देंगे। तो मल्लारा बोलता है कि रानी साहब सब फैसले हमारे हक में नहीं होते, कुछ फैसले ऊपर वाले पर भी छोड़ने पड़ते हैं। पेशवा साहब का संदेश आया है, वो हमसे मिलना चाहते हैं। तो गौतम भी बोलते हैं कि तो क्या हुआ सरकार, पेशवा साहब ने आपको बुलाया है और आपने अपना फैसला ले लिया है, इन दोनों बातों का आपस में क्या संबंध है? तो मल्लारा बोलते हैं कि पेशवा साहब से हमारी मुलाकात मतलब युद्ध और कुछ नहीं। तो गौतम भी बोलते हैं कि सरकार आप युद्ध पर कैसे जा सकते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मल्लारा बोलते हैं कि रानी साहब हम ये फैसला शिव शंभु पर छोड़ते हैं, उनका जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। और तभी मल्लारा शिवलिंग पर दो बेलपत्र रखते हैं और तभी दाई तरफ का बेलपत्र नीचे गिर जाता है। तो मल्लारा बोलते हैं कि आप लोगों ने देखा हमने दो बेलपत्र रखे थे और मन ही मन में सोचा था कि अगर बाई तरफ का बेलपत्र नीचे गिरता है तो हम राजपाट की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, और अगर दाई तरफ का बेलपत्र नीचे गिरता है तो हम युद्ध भूमि के लिए तलवार फिर से उठाएंगे। और आपने देखा शिव शंभु ने संकेत दे दिया, रानी साहब हम फिर से तलवार उठाएंगे। और इसके बाद दिखाया था तुकोजी उस जमीन के मालिक से मिलने के लिए जाते हैं और तभी वो आदमी बोलता है कि आप यहाँ? तो तुकोजी बोलते हैं कि छोटी रानी अहिल्याबाई ने आपके लिए नजराना भेजा है। और तभी तुकोजी उसे मुद्राओं की थाल देते हैं और तभी वो आदमी थाल देता है और बोलता है कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। और इसके बाद दिखाया था अहिल्या मंदिर का नक्शा बनवाने के लिए शास्त्री जी को बुलवाती है और तभी शास्त्री जी बोलते हैं कि मंदिर की आकृति पुरानी मंदिर से बिल्कुल मिलती जुलती होगी और मंदिर अगर इस स्थान पर होगा तो शिवलिंग इस स्थान पर होना चाहिए। तो अहिल्या बोलते हैं कि लेकिन हमें एक बात पर खास ध्यान देना होगा शास्त्री जी कि वास्तु पूरी तरह से दोष मुक्त हो और साथ ही दर्शन करने वालों के लिए उत्तम व्यवस्था हो, क्योंकि भोलेनाथ तब प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त प्रसन्न होते हैं। और तभी शास्त्री जी बोलते हैं कि जी छोटी रानी, और हमें इसके तुरंत बाद ही भूमि का भी पूजन कर लेना चाहिए। तो अहिल्या बोलते हैं कि जी शास्त्री जी वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। तुको जी बाबूजी गए हैं सौदा तय करने के लिए, जैसे जमीन का मोल भाव तय होता है हम तुरंत सौदा भी कर लेंगे। और तभी शास्त्री जी नक्शा बनाने लगते हैं और तभी अहिल्या सोचते हैं कि हे शिव शंभु अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, इस सौदे में कोई अड़चन ना आए। और इसके बाद दिखाया था वो आदमी तुको जी से बोलता है कि आपका अनादर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने इस थाल को पूजा घर में रखा, अब आप इसे वापस ले जाएं। तो तुको जी बोलते हैं कि लेकिन बात क्या हुई? और तभी वो आदमी बोलता है कि माफ़ कीजिएगा मैं तो केवल देख रेख करता हूँ, पर इस जगह पर मंदिर बनाने का फैसला तो नवाब साहब ही ले सकते हैं। और इसके बाद मैलकल सिंह दिखाया जाता है कि मल्लारा बहुत गुस्से में होता है। तो मैना बोलते हैं कि क्या हुआ राजकुमार जी, आप इतने विचलित से क्यों घूम रहे हैं? तो मल्लारा बोलता है कि क्योंकि विचलित होने की बात है इसलिए विचलित हो रहा हूँ, समाज सेवा के लिए ऐसा पैसे लुटा सकती हैं लेकिन हमने चार पैसे क्या मांग लिए, इतना बड़ा तमाशा हो गया जैसे कि हमने कोई कैरी उठा दिया हो। तो मैना भाई बोलता है कि लेकिन आपको पैसे क्यों चाहिए थे? तो मल्लारा बोलता है कि क्यों चाहिए मतलब हमारे लिए चाहिए थे, क्योंकि हम बेहतरीन नस्ल का हाथी खरीदना चाहते थे और हम उस हाथी पर चांदी की अंबारी लगवाना चाहते हैं। तो मैना भाई बोलता है कि लेकिन इन सब की क्या जरूरत है, आजूबा ने और बाबा साहब ने इतने साल राजगद्दी संभाली और सासूबाई ने इतने सालों तक शासन व्यवस्था चलाई लेकिन उन्हें तो इस सब की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। तो मल्लारा बोलता है कि पानी मौजूद होते हुए भी प्यासा रहना बाबा साहब और दादा साहब को आता होगा, आई साहब को तो बहुत अच्छे से आता है लेकिन हमें अपनी प्यास बुझानी है, हम सबसे अलग हैं। तो मैना भाई बोलते हैं कि राजकुमार जी आप बात को समझें और फिर से सोच लें कि कहीं आप प्यास बुझाने के चक्कर में पानी बर्बाद तो नहीं कर रहे। तो मल्लारा बोलता है कि क्या कहा तुमने, अब तुम भी मुझे ज्ञान दोगी और तुम्हें एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारी हद इस कक्ष और रसोई घर तक ही है, तो इस सीमा को लांघने की कोशिश भी मत करना। और इसके बाद दिखाया था मल्लारो यशवंत से बोलते हैं कि तुम पहली बार हमारे साथ युद्ध पर जा रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो यशवंत बोलता है कि ऐसा लग रहा दादा साहब की जैसे मेरी किस्मत ही खुल गई हो और ये तो मेरा सौभाग्य है। और तभी मल्लारा और यशवंत मल्लारा की आवाज़ सुनते हैं और वो मल्लारा को एक कक्ष में जाते हैं और तभी मल्लारा मैना भाई से बोल रहा होता है कि सभी को हमारी योग्यता पर ही शक क्यों है, बोलो दो हमारा जवाब। और तभी मल्लारा बोलते हैं कि हम देंगे जवाब पर पहले हमें ये तो पता चले कि कौन कर रहा है तुम्हारी काबिलियत पर शक। और तभी मैना भाई वहां से चली जाती है और तभी मल्लारा बोलते हैं कि बताओ मल्लारा। तो मल्लारा बोलता है कि कुछ नहीं दादा साहब लेकिन आप ये एक बात बताओ कि क्या निहत्था होकर कोई युद्ध लड़ा जा सकता है? तो मल्लारा बोलते हैं कि नहीं। तो मल्लारा बोलता है कि आई साहब ने आपके सामने कहा था ना कि जब वो यहाँ पर नहीं होंगी तो मालवा का ध्यान हमें रखना है, लेकिन हम कैसे रखेंगे ध्यान, ना ही तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही अधिकार, तो अब आप ही बताइए कि ऐसे में कोई राज्य कैसे चला सकता है? और इसी को कहते हैं काबिलियत पर शक करना। दादा साहब हमें तो लगता है कि हम सिर्फ एक कठपुतली हैं। तो मल्लारा बोलता है कि तुम कठपुतली कैसे हो गए, तुम तो एक भावी राजा हो और हमारे उत्तराधिकारी हो। तो मल्लारा बोलता है कि कैसा उत्तराधिकारी, हम मालवा की प्रजा के लिए कितना कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं,
हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमें अनुमति लेनी पड़ती है। और अभी तो आप दोनों चले जाएंगे, फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा। और तभी मल्लारा बोलते हैं कि तुम्हारी बातों में दम तो है, और इसलिए आज से दरबार के निर्णय लेने के लिए और प्रजा के हित के लिए धनराशि खर्च करने की अनुमति हम तुम्हें देते हैं। और तभी मल्लारो सरकारी मोर मंगवाते हैं और मल्लाराव को देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने होंगे, ताकि जब हम मुहिम से लौट कर आएं तो तुम्हारे कार्य को देखकर हमारा सेना गर्व से चौड़ा हो जाए। तो मल्लाराव बोलता है कि दादा साहब, हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। और इसके बाद दिखाया था अहिल्या मंदिर का नक्शा तैयार करवाती है, लेकिन तब यहाँ पर तुको जी आते हैं और अहिल्या से बोलते हैं कि वो जमीन हमें नहीं मिल सकती। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है, और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गंगवा मल्लाराव से बोलते हैं कि कुछ गांव वाले आपके पास फरियाद लेकर आए हैं, खेती बाड़ी के लिए इन्हें पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो मल्लाराव बोलता है कि अगले साल हम इस समस्या पर विचार करेंगे, अब आप सब जाइए। लेकिन तब यहाँ पर यशवंत आता है और बोलता है कि ये कोई समस्या का समाधान नहीं होगा राजकुमार। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।